हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नोट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और अदर मेंबर्स के नोट्स के साथ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। पहले हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यूजर को अपनी सभी डिटेल्स फिल करनी होगी अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। हमारा नया अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। ये यूजर डैशबोर्ड है, जहां पर यूजर को अपने और पब्लिक के शेयर किए हुए नोट्स के रिकॉर्ड्स शो होंगे। नीचे की तरफ यूजर को कैटेगरी की लिस्ट और रीसेंट पोस्ट किए हुए नोट्स या आर्टिकल्स की लिस्ट भी शो होगी। जब भी यूजर किसी नोट के टाइटल पर क्लिक करता है, तो यूजर नोट्स की पूरी डिटेल्स ओपन कर सकता है, लाइक नोट्स डिस्क्रिप्शन, ऑथर डिटेल्स एटसेट्रा। और इसी पेज पर यूजर को कैटेगरी लिस्ट और नोट्स रिकमेंडेशंस भी शो होंगी। इस अकाउंट में हमने अभी तक कोई नोट क्रिएट नहीं किया है। चलिए टेस्टिंग के लिए एक डेमो नोट क्रिएट कर लेते हैं। नोट क्रिएट करते वक्त यूजर को नोट का नाम, नोट की कैटेगरी, टैग्स और उसके कंटेंट को फिल करना होगा। बैनर इमेज कंपलसरी नहीं है और साथ में यूजर को प्राइवेसी का ऑप्शन भी चूज करना होगा। अगर यूजर नोट को प्राइवेटली सेव करता है, तो वो नोट सिर्फ यूजर को शो होगा, अदर मेंबर्स को शो नहीं होगा और ना उसको कोई सर्च कर पाएगा जब तक उसकी प्राइवेसी प्राइवेट है। अभी के लिए हम नोट को प्राइवेट रखते हैं, हम इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। नोट सेव करने के बाद नोट्स यूजर के नोट्स रिकॉर्ड में शो होगा और यूजर अपने नोट्स की सभी डिटेल्स देख सकता है, जैसे कि टाइटल, नोट प्राइवेट है या पब्लिक, नोट क्रिएट कब हुआ है, और यूजर के पास अपने नोट का पूरा कंट्रोल होता है। वो जब चाहे अपने क्रिएट किए हुए नोट्स को एडिट, अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। हम नोट्स में कुछ अपडेट करके देखते हैं। हमारा नोट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अभी हमारे नोट्स की प्राइवेसी प्राइवेट है। हमने अपने नोट को प्राइवेट से पब्लिक कर दिया है, अब सभी मेंबर्स हमारे पब्लिक नोट को देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। यूजर अपने और पब्लिक नोट्स को सर्च भी कर सकता है। जब भी यूजर कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो सॉफ्टवेयर कीवर्ड को नोट्स के टाइटल, कैटेगरी और टैग्स के साथ मैच करके उससे मिलते जुलते सभी रिजल्ट्स शो कर देता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे नोट्स में हमारी ऑथर डिटेल में ज्यादा कुछ शो नहीं हो रहा है, तो चलिए अपनी प्रोफाइल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लिया जाए। अब हमारी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है और ऑथर डिटेल्स में हमारी डिटेल्स जैसे कि बायो, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स शो हो रही है। यूजर जब भी कुछ सर्च करता है तो उसमें अदर मेंबर्स के साथ साथ यूजर के नोट्स भी शो होते हैं, लेकिन यूजर के पास सिर्फ अपने नोट्स को एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन शो होगा, दूसरे मेंबर्स के नोट्स को नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है कंट्रीब्यूट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम दूसरे मेंबर्स के नोट्स के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब हम उनके नोट्स के रिगार्डिंग हमारा क्या ओपिनियन है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए हम कंट्रीब्यूट करके ही देख लेते हैं। कंट्रीब्यूट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें नोट्स का सारा कंटेंट शो होगा जिसे हम अपने ओपिनियन के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं और यूजर को सबमिट कर सकते हैं। कंटेंट एडिट करने के बाद हमें कंट्रीब्यूशन डिटेल्स भी फिल करनी होगी जिसे यूजर को पता चले कि हमने उनके नोट्स में क्या अपडेट किए हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, जो हमारी शेयर्ड कंट्रीब्यूशंस की लिस्ट में भी शो होगी, जहां पर हम अपने रिक्वेस्ट का अपडेट्स भी देख सकते हैं। अभी हमारी रिक्वेस्ट यूजर को सबमिट हुई है। जब तक यूजर हमारी रिक्वेस्ट पर कोई डिसीजन नहीं लेता है, तब तक यूजर के नोट्स में कोई चेंज नहीं होगा। हम दूसरे यूजर के अकाउंट से लॉगिन करके अपनी रिक्वेस्ट को अपडेट करके देखते हैं। हमारी सबमिटेड रिक्वेस्ट यूजर को उनकी रिसीव्ड कॉन्ट्रीब्यूशन की लिस्ट में शो होगी। जब यूजर रिव्यू नोट्स पर क्लिक करता है तो हमारी रिक्वेस्ट का स्टेटस रिव्यू नोट्स में अपडेट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि यूजर हमारी कंट्रीब्यूशन रिक्वेस्ट को रिव्यू कर रहा है, और अगर यूजर हमारी कंट्रीब्यूशन रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है तो यूजर के नोट्स का कंटेंट हमारे अपडेटेड कंटेंट के साथ रिप्लेस हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूजर के अप्रूव करने के बाद नोट्स का कंटेंट हमारे सजेस्टेड कंटेंट के साथ रिप्लेस हो गया है। यूजर के रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद हमारी शेयर्ड रिक्वेस्ट का स्टेटस भी अप्रूव्ड में अपडेट हो जाता है। रिक्वेस्ट अप्रूव्ड होने के बाद भी नोट्स के ऑथर सेम ही रहता है और उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, वो जैसे चाहे अपने नोट को दोबारा अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नोट्स मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।